This is Zephyr from Ideas and Solutions, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRT monitors and LED के related. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, जहां तक बात है CRT monitors, वो इस्तेमाल होते थे पुराने जमाने में जो कंप्यूटर्स मॉनिटर्स यूज होते थे उसके अंदर इस्तेमाल होते थे LCD के तौर पे. तो आजकल के जनरेशन की जो नई LCD या LED आ गई है, वो आजकल इतने उसके अंदर इतने एडवांस फीचर्स हैं जो पहले CRT मॉनिटर्स में नहीं होते थे. तो CRT मॉनिटर्स के अंदर जो कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी वो इतनी खतरनाक है, वो एक तरह से चलता फिरता बॉम्ब है. अगर आप उसके ऊपर जोर से हाथ भी मारते हैं तो इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि वो आपको भी जख्मी कर सकती है. और आजकल की जो LEDs होती हैं, जैसा LG जो जैसा कि नई नई LEDs जो निकाल रहा है, वो इतनी एडवांस है, उसके अंदर इतनी एडवांस फीचर है, वो सिर्फ एक गिलास से बनाई जाती है. इतने ज़्यादा रेजोल्यूशन है उस LED का तो पहले कभी नहीं आया. वो इतना खतरनाक है, अब वो लोग यूज़ करना भी बंद कर चुके हैं. इस वजह से वो ज़्यादा चला नहीं. इस वजह से उसके बाद फिर दौर आया LCDs का. फिर उसके बाद चल गए, जब LCDs जब काफ़ी चल चुकी थी उसके बाद फिर ये नई निकल कर आई LEDs. LG की स्क्रीन पे और भी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की LED आती हैं. जो LG के अभी जो नए नए वो जो आई हैं वो बिल्कुल फोल्ड हो जाती हैं, मतलब वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कार्ड की तरह वो यूज़ की जाती है. वो LED वो उसका साइज काफ़ी बड़ा है, आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं. तो आजकल इस तरह की एडवांस वो चल रही है, मगर जिस तरह वो जो पुरानी कैथोड रे ट्यूब्स थी वो अब इन आगे LEDs में नहीं लगाई जाती. तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोनों में डिफरेंस. बाकी जो है उसके अंदर जो पहले के जो CRT मॉनिटर्स होते थे उनके अंदर जो स्क्रीन होती थी वो गिलास की होती थी. तो जब उसके ऊपर आप हाथ मारते तो आवाज़ आती थी गिलास की. तो इस वजह से आती थी क्योंकि उसके अंदर एक अंदर वैक्यूम टाइप पूरी ट्यूब लगी हुई होती थी. मगर इसके अंदर ये होती इतनी पतली है, इसके अंदर कोई भी ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ कार्ड होता है. जैसे कि नई LEDs आई है उसके अंदर तो कार्ड भी नहीं होते. कार्ड भी वो जो होता है वो प्लाज्मा लिक्विड से बनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा. वही इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें फॉर मोर वीडियोस. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.